आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? वो घर के पेपर्स मैंने गिरवी रखे। आदि, क्या बोल रहा तू? आदि, आदि, वापस बोल, क्या बोल? घर के पेपर्स मैंने गिरवी रखे। मेरे पापा का घर है। क्या तूने पापा की सिग्नेचर्स फोर्ज की? अम्मा प्लीज पापा को रोक लीजिए प्लीज। आदि की कोई गलती नहीं है, वो बस बचा रहा है। कुछ नहीं बचा रहा है, मुझे बचा रहा है। अम्मा तुम्हें ये घर के पेपर्स मैंने गिरवी रखे थे। पापा जी आप प्लीज टेंशन मत करो और रमन भाई का इंतजार मत करो। मैंने आपको कहा है ना, उस ऑफिस में जाकर कुछ नहीं होगा और रमन भाई और इशिता इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें गांव जाके पता करना होगा कि हमारे मकान के पेपर्स का क्या हुआ है। प्लीज आप ठंड रखो और ये चाय पियो प्लीज। आपने उस गांव के घर के साथ एग्जैक्टली क्या किया है? मतलब क्या किया? अरे वो इतने सालों से मकान बंद पड़ा था, मैं तो उसे बेचकर बस। तू ये सब क्यों पूछ रहा है ऐसे? क्योंकि वो मकान गिरवी रखा है पापा। क्या गिरवी रखा हुआ? ये कब हुआ? मैं रजिस्टर ऑफिस गया था मकान के पेपर्स अटैच करवाने। वहाँ पता चला कि मकान पहले से गिरवी पड़ा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसा किया नहीं और ना ही किसी को पावर अटॉर्नी दी है। ये किसने किया होगा? आप फिक्र मत करो पापा, मैं पता लगाऊंगा। सिमी, ऋषभ तुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वही पापा, मैं कुछ निकालूंगा। वो ना हो किसी घर वाले ने किया है। इस घर से मकान के पेपर्स चुरा कौन सकता है? पता नहीं, लेकिन जो भी है घर का ही कोई है। पापा को तो ये पता भी नहीं कि उनके खानदानी घर को किसी ने गिरवी रख दिया। कौन कर सकता है समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई मुझे आपसे वो भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल। अकेले में जो बोलना है के सामने बोलना। अगर पापा इन पे इतना भरोसा करते कोई बात होगी ना। पर मैं नहीं करती ना भाई। और भाई हमारे घर की बात है, मैं इसके सामने क्यों बोलूं? मुझे बात करनी है कि नहीं करनी है? भाई भाई मुझे लगता है कि घर के पेपर्स रोमी ने चुराए हैं। और वो डिवोर्स के पेपर साइन करके मिहिका को देके गया और कहा है कि एलिमनी का पैसा भी चुका देगा। कहाँ से लाएगा वो इतने सारे पैसे? कैसे इंतजाम करेगा कहीं से? रूमी ऐसा नहीं कर सकता यार। ये रूमी ऐसा नहीं कर सकता, आप सही कह रहे हैं। मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ, बहन हूँ उसकी, ठीक है? और भाई आप भी तो जानते हो ना वो कैसा है। वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी जुगाड़ कर सकता है, ये हम जानते हैं। उसने पहले भी ये सब किया है ना। पहले किया है नहीं पता नहीं, लेकिन अगर इस बार उसने ऐसा किया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। रोमी, ये रोमी कहाँ है? रोमी, रोमी, क्या हो? घर के पेपर्स तो नहीं गिरवी रखे? के पेपर्स? कौन से घर के पेपर्स? गांव में जो हमारा पुश्तैनी मकान है उसके पेपर्स तूने गिरवी रखे हैं, हाँ या ना? मैं क्यों रखूंगा गिरवी पेपर्स? और मेरे पास कोई पेपर वेपर नहीं है। देखो बहुत प्यार से पूछो, बात को घुमा मत, सच बता। मैं कोई बात नहीं घुमा रहा हूं भाई। तूने घर गिरवी रखा है ताकि मीका कालोनी के पैसे दे सके। अरे मैं क्यों रखूंगा घर गिरवी? जब पापा ने बोला कि वो घर दे देंगे मीका को तो मैं क्यों रखूं यार? तो फिर घर कौन गिरवी रख सकता है? आपको किसने बोला ये सब? इसी से पूछो। अच्छा तो अब आप साहब से बिल का पता पूछ रहे हो? ये इससे पूछ लो आप मेरे बारे में। मैं क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास कर रहा हूँ? ये बकवास कर रही है, ये सब इसकी प्लानिंग होगी। वैसे भी पति पत्नी तो सब कुछ बर्बाद कर ही लिया है, तो वो घर भी ले लेंगे। भाई ये खाम का मेरा नाम लेकर आपको भटका रहे हैं ताकि ये घर इसके नाम हो जाए और ये खा के निकल जाए सब कुछ। दिमाग खराब है क्या? तेरा दिमाग खराब, मेरा नहीं है। मैंने नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैंने पेपर्स गिरवी रखे हैं। वो शरीफ बन गए। अरे सबको पता ही इनके पास है पेपर भाई। ओके प्रूव इट। नहीं खामखा तो बेइज्जती नहीं सहूंगा ना, तो अब जब इल्जाम लगाया है तो साबित करो। होता है इस घर में, है ना, हमेशा से यही होता है। हर बात का इल्जाम मेरे पति पे लग जाता है। क्यों सिमी? तो नहीं परम जी, जब आप गलत नहीं हो ना तो मैं इनको इल्जाम नहीं लगाने दूंगी। सिमी मुझे भी जानना है कि आखिर किया किसने है ये सब। एक मिनट, मालूम चल जाएगा। हाँ करो जो करना कर लो। रुक जाइए, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? वो घर के पेपर्स मैंने गिरवी रखे। आदि क्या बोल रहा तू? आदि आदि वापस वो क्या बोल? घर के पेपर्स मैंने वापस तूने गिरवी रखी। पापा, मेरे पापा का घर है। तूने पापा की सिग्नेचर्स फोर्ज की। अम्मा प्लीज पापा को रोक लीजिए प्लीज। आदि की कोई गलती नहीं है, वो बस बचा रहा है। कुछ नहीं बचा रहा है, मुझे बचा रहा है। अम्मा तुम्हें ये घर के पेपर्स मैंने गिरवी रखे थे। मुझे लोन चाहिए था। लोन की जरूरत? अम्मा मुझे गैम्बलिंग की लत लग गई थी और मुझे नहीं पता था खेल खेल में मुझे इतना पैसा लोन लेना पड़ेगा। इट्स ऑल माय फॉल्ट। प्लीज अम्मा प्लीज आप उनको रोक दीजिए। बड़ी बात होगी, तुमने उन्हें मुझसे शेयर की ये बात? ऐसे कैसे कर सकती हूँ अम्मा? मैं आपको प्लीज सब कुछ बताती हूँ बाद में। प्लीज अभी जाके रोक लीजिए। आदि की कोई गलती नहीं है, प्लीज आप उनको जाके रोक लीजिए। प्लीज आपको सब कुछ बताऊंगी, अभी जाके रोकी होगी। मेरे घर में रहता है, मेरे घर का नमक खाता है और मेरे घर में रवि प्लीज नहीं। आदि शादीशुदा है, उस पर हाथ नहीं उठा सकते। शादीशुदा तो क्या करेगा? घर के पेपर चोरी करेगा, सिग्नेचर फॉर्ज करेगा, फ्रॉड करेगा। इसको तो मैं जेल भिजवाऊंगा आज। जेल भिजवाने से क्या होगा? कुछ पता लगेगा क्या? मैं इससे शांति से पूछ रही हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे सारी डिटेल्स देगा कि इसने किसके पास पेपर्स गिरवी रखा है। अरे जो घटिया आदमी जिस घर का नमक खाता है उसी में। रमन, रमन एक मिनट। रमन इश्ता ठीक कह रही है, हमें उस आदमी को रोकना पड़ेगा ताकि वो अपने नाम से रजिस्ट्री न करवा ले। पेपर्स हमारे हाथ आना ज्यादा जरूरी है रमन। ठीक है मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ। लेकिन बाबा तब तक इसके मुझे सब उगलवा। मैं पता करती हूँ, आप जाइए। आदि आओ। आदि तुमने गैम्बलिंग शुरू कर दी है? I can't believe it। ये सब कुछ कर रही थी और तुमने रोका नहीं इसको। अम्मा आदि की कोई गलती नहीं इसमें, उसे नहीं पता था। इनफैक्ट आदि के पास तो मेरे टाइम नहीं था, इसलिए तो मैं सोचा कि तुम गैम्बलिंग शुरू कर दो। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मैंने खुद पढ़ाया है तुम्हें। किस लिए? ताकि तुम गैम्बलिंग कर सको। बिजनेस में उसका हाथ बटाती, खुद का कुछ वेंचर शुरू करती। इसका क्या मतलब है कि तुम गैम्बलिंग कर रहे हो आजकल? अम्मा रियली सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। ये जो भी कुछ हुआ पता नहीं अम्मा, खेल खेल में ये सब मेरी आदत कब बन गई मुझे सच में नहीं पता। मैं तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी क्योंकि आदि के पास मेरे लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं था। मुझसे बात तक नहीं करता था वो, जब देखो काम काम काम। कभी मुझसे पूछा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए कुछ नहीं। तो बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने लगी, किटी पार्टीज, कार्ड पार्टीज। और जब गैम्बलिंग में मैंने छोटा छोटा अमाउंट जीतना शुरू किया तो मैंने सोचा ज़्यादा पैसों के लिए क्यों ना खेलूं। और सब फ्रेंड्स भी बोलते थे कि मेरा लक बहुत अच्छा है, किसी ने मुझे मना नहीं किया। और मुझे नहीं पता था माँ कि मेरी आदत बन जाएगी और इस आदत की वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ेगा, इतने सब लोगों को हर्ट करना पड़ेगा। और इसी की वजह से मुझे लोन लेना पड़ा। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी अम्मा। I'm really sorry आदि। रोने से कुछ भी सॉर्ट आउट होगा। कितनी बड़ी गलती की है तुमने, तुम्हें पता है अच्छी तरह से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आदि तुम अपनी पत्नी को रोक कैसे नहीं पाए? कोई कंट्रोल नहीं था क्या तुम्हारा? तुम्हें पता था ना? विषमा, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार ये प्रॉमिस कर देती थी कि भाई नहीं करूंगी मैं आज के बाद। जब भी मैं ऑफिस से घर आता था मैडम होती नहीं थी घर पे। और मैं किससे शेयर करता ये सब, किसको बताता? आपको पता है ना घर के हालात क्या चल रहे हैं, बिजनेस की क्या रेपुटेशन होगी, क्या किस मुकाम पे आ गया बिजनेस हमारा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, किससे शेयर करता मैं? सब चीजें और खराब होती चली गई। आपको पता है कितना लोन ले चुका हूं मैं हमारी ज्वेलरी तक बेच चुका हूं सारी। और ये तो कुछ भी नहीं है शर्मा, हमारी मदद अप्पा ने भी करी है। मणि ने? जी। मणि को पता था इस बारे में? हाँ पता था। अप्पा ने हमारी मदद करी लोन चुकाने में। लेनदार तो घर तक पहुंच चुके थे, घर पे सबको पता लग जाता। वो तो सही टाइम पे अप्पा पहुंच गए और उन्होंने सारे पैसे दे दिए, वरना आज बात और ज्यादा बिगड़ जाती। क्या कर दिया तुम लोगों ने? बात इस नौबत तक पहुंच गई है, कैसे निकालो तुम लोगों को इससे? है कौन वो जिसे तुम लोगों ने लोन लिया है? कौन है वो? हाँ पता नहीं अम्मा, उनकी कोई डिटेल्स नहीं होती और अपना नंबर भी चेंज करते रहते हैं। ब्लैक मार्केट से पैसे लेने होते हैं तो ब्लैक मार्केट से पैसा उठाया है? सॉरी अम्मा, तुम बेवकूफ हो गए। तुम लोगों ने कहाँ फंसा लिया है खुद को? ब्लैक मार्केट? क्या प्रॉब्लम है तेरी? हाँ अब क्या तुम हमारे घर के हर इशू में टांग अड़ाओगी? पहले तो पीहू को यूज करके भाई के बेडरूम में घुस गई हो और अब ये। मुझे ना तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है और अभी तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाँ मेरे पास भी कोई टाइम नहीं है ठीक है झगड़ा करने का। मुझे इन बच्चों की हेल्प करनी है। कहां से लेकर आएंगे पापा जी के पेपर्स? किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बकवास करके गई है? क्या किया तूने? बोलेगा क्या किया है? कहां है पापा जी के पेपर्स? आदि तू कुछ बोले? रिश्ता के चमचे हैं ना दोनों, जाके उसी को बताया होगा सब। पता लगाना पड़ेगा मुझे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.